ओके तो आज हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, नाउ सोल का मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। तो अगर किसी बिजनेस का एक आदमी मालिक है उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे आसान है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को खोलने के लिए। आपको कोई लीगल उसकी जरूरत नहीं है, कोई लीगल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी दुकान या कैसी भी एक मीडियम साइज की दुकान ले लो। ठीक है, 4 से 5 लाख रुपया का कैपिटल लगेगा और आपकी दुकान चालू हो जाएगी। ठीक है, नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत सारा फायदा है और बहुत सारा नुकसान भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा जो सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है कि आप खुद के मालिक हो। ठीक है, किसी से भी आपको कुछ पूछने की दरकार नहीं है। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल हो, ओनरशिप हो, किसी से पूछने की दरकार नहीं है, किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का बिजनेस खुद करिए, कोई टेंशन है ही नहीं। तो इंडिविजुअल ओनरशिप इसका एक कैरेक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सोल प्रोप्राइटर में होता है वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक टर्म है जो आपको समझना है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको सारा कर्जा जो आपने बिजनेस से लिया है वो चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपने बाजार से पैसा लिया है तो आपको सारा पैसा चुकाना पड़ेगा, भले ही इसमें आपका घर बिक जाए, घर की प्रॉपर्टी बिक जाए, घर का सामान बिक जाए, अगर बाजार का पैसा है तो आपको देना होगा। ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। दिक्कत मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पैसा देना नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पैसा देना पड़ेगा, लीगली आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी अनलिमिटेड यस लाइबिलिटी होती है। समझ में आ गया बात को? अब तुम बोलेगा सर आप पैसा लेंगे तो देना ही पड़ेगा, बात तो सही है। ठीक है, लेकिन इसमें घर बार बिक जाएगा ना, ये एक बहुत बड़ा टेंशन है। ठीक है, अगर आपका घर वर बिक जाएगा यस तो सर ये बहुत बड़ा टेंशन है। एक सेकेंड होल्ड करो। ओके, ओके तो अब तुम बोलेगा सर आपने कर्जा लिया तो चुकाना ही पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम लोग जब कंपनी खोलते हैं ना, तो कंपनी में क्या होता है, जितना अमाउंट का शेयर आपने लिया है उतने ही आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी आपकी नहीं होती। जितना आपने क्या नाम है वो लिया है, क्या नाम है, कर्जा, जितना का शेयर लिया है उतना का ही लायबिलिटी है, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं है। लेकिन सोल प्रोपराइटर का बिजनेस हुआ, पार्टनरशिप का बिजनेस हुआ, इस दोनों के अंदर में क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो खतरनाक है। ठीक है, इसी के लिए आजकल एक तो नया बिजनेस भी आया है, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी डर की बात है। जब आपका नुकसान होगा, आपका बिजनेस में नुकसान होगा, फर्म में नुकसान होगा, तो उससे आपका काफी नुकसान हो जाएगा, आपका घर भी जा सकता है। ठीक है, नाउ फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब ये आप खुद ही के मालिक हो, तो आप जो बिजनेस चाहो वो कर लो। ठीक है, आपको आजकल बहुत चल रहा है बिरयानी का बिजनेस, वो कर लो। ठीक है, बहुत होगा तो एक तो ग्रोसरी का शॉप खोल लो, सब्जी की दुकान खोल लो, पान का दुकान खोल लो, मोबाइल का आजकल एक्सेसरीज का दुकान खोल लो, जो मर्जी। ठीक है, जहां पे आपको यस स्किल चाहिए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपको चाहिए, आपको लगता है जो चीज चल रहा है, जो चीज का फैशन है, उसका बिजनेस कर लो। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप सर में टोटल रिस्क है ना, रिस्क तो है ही, लेकिन बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो हो गई। ठीक है, थोड़ा पैसा लगाओगे नहीं तो पैसा आएगा कहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर रिस्क तो है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर टोटल रिस्क है आपका। अगर फ्लॉप हुए है ना, तो जैसे आपने दुकान खोली, फर्नीचर बनाया, लाइट लगाई, पंखा लगाया, सब कुछ लगाया, उसके बाद नुकसान हो गया तो सब कुछ बर्बाद है ना, फर्नीचर वर्नीचर सब वहीं पर बर्बाद हो गया। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की बात कर ले तो सिंगल पर्सन ही सब कुछ मैनेज करता है, सिंगल पर्सन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, वो अपने दूसरे लोगों को भी ला सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, लेकिन जो मेन हेड है वो हमारा सोल प्रोपराइटर ही है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसके लिए है क्योंकि किसी का दिमाग नहीं लगेगा, है ना, जो मेरा मर्जी वही मैं करूंगा, किसी से पूछना नहीं है, अपने दिमाग लाऊंगा, अपना दिमाग से काम करूंगा। रिस्क यहाँ पर यह है कि अगर तू बीमार हो गया तो, अगर तू कहीं घूमने गया तो, अगर तू छुट्टी ले ही नहीं सकता, अगर तू दुकान नहीं खोलेगा तो दुकान बंद, ये बात बहुत गलत है। ठीक है, तो आपको बिजनेस ऐसा करना यस चाहिए सर जिसके अंदर मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है
ठीक है, वो और भी आदमी संभाले, ठीक है। नाउ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट भी वैसे दिमाग लगाता नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि गवर्नमेंट सबको नौकरी दे नहीं पा रहा है, तो गवर्नमेंट तो खुद चाहता है सब लोग अपनी दुकानें खोले, है ना, तो सब लोग अपनी दुकान खोलो और बेचो, तो गवर्नमेंट भी इसमें बेसी दिमाग लगाता नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है उसके अंदर जब तक आपका बिजनेस काफी बड़ा नहीं बन जाए, ठीक है। जो लेबर लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है उसके अंदर, जो लेबर का लॉ है तो लगाना ही पड़ेगा अगर आप कोई स्टाफ को रखोगे, पर ये सब बिजनेस तो बिना स्टाफ के भी चलते हैं, है ना, फैमिली बिजनेस है, पापा बेटा ही लगे हुए हैं, पापा और बेटा मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर कोई लेबर है ही नहीं, तो आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो एक सस्ता मंदा बढ़िया टिकाऊ और उपजाऊ, इसमें पैसा बहुत है ना, तुम देखिएगा जितना भी हम लोग का ग्रोसरी वाले लोग हैं जो ये सब बेचते हैं, ब्रेड बटर दाल, है ना, समझ रहे, घर का एवरीडे किराना गुड्स, की। वो सब तो यही सब बिजनेस होता है, सोल प्रोपराइटर, अच्छा सेल है भाई उन लोग का, है ना, ऐसा नहीं कि वो लोग यस पैसा नहीं सर। कमा रहे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, भीड़ लगी रहती है दुकान में, है ना, सस एकदम वो है ना। प्रोपराइटर एंड प्रोपराइटरशिप आर वन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोपराइटर पे केस होगा तो बिजनेस पे केस होगा, बिजनेस पे केस होगा तो प्रोपराइटर पे केस होगा, दोनों एक ही है, ठीक है, वही सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी होगा, बिजनेस पे कर्जा और मालिक पे कर्जा अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है, इसी के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ जो ट्रेडर है वो भी इसमें लग जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का तो मतलब हो गया सारा पैसा हम ही लगा रहे हैं, है ना, तो हमारा ही पूरा का पूरा पैसा लगा हुआ है, ओके, तो बैंक से पैसा ले लेता है कभी कभी, किसी रिलेटिव से पैसा ले लिया, दोस्त से पैसा ले लेता है, उधर से लेकर ही वो पैसा लगाए। लिमिटेड स्कोप, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोल प्रोपराइटर इज लिमिटेड, है ना, आप देखो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल कम है, ठीक है। अब तुम सोचो बिग बाजार जाओगे, स्मार्ट बाजार जाओगे, वहां पर तो माल भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन ग्रोसरी की दुकान पे जाओगे तो अगर उससे बोलोगे सर साबुन है, तो वो तुमको दो या तीन वैरायटी साबुन दिखाएगा, अरे भैया रिन है, विम है, ये है, और इसके अलावा बोला इसके अलावा कुछ भी नहीं, तुम बोलेगा 50 पीस चाहिए, नहीं है 50 पीस, 4 पीस मिल जाएगा, 5 पीस, 12 पीस मिल जाएगा, ठीक है, कोई अच्छी दुकान है तो वहां पर 2 दर्जन मिल जाएगा, तुम अगर वहां जाएगा स्मार्ट उसमें जाएगा तो वहां पे तो तुमको जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, क्या फर्क है, फर्क है कैपिटल का, है ना, पैसा ही नहीं उतना, 5 लाख रुपया में कितना माल यस खरीद लेंगे सर। और कितना माल बेच लेंगे, ठीक है ना, तो उसका स्कोप जो है वो लिमिट होता है। मोटिवेशन की बात करें तो भैया डायरेक्ट मोटिवेशन है, जब तक दुकान खोलेगा तब तक कस्टमर आएगा, जब कस्टमर आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मजा ही आएगा ना, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, है ना, तो मालिक लोग को ये लगा रहता है भाई दुकान खोलो क्यों बंद करें, है ना, तुम देखेगा जो सोल प्रोपराइटर जो ऐसे दुकानदार होते हैं ना, वो लोग घर में बैठना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, सोचता रहे यार घर में बेकार का बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, दुकान खोल लेते दो कस्टमर आ जाता है ना, कुछ रुपया कमा लेते, है कि नहीं, तो मोटिवेशन तो है, ऐसे यस सर। लोगों को छुट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, इन लोगों को अगर कहीं रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना हो तो सबसे ज्यादा गुस्सा ये लोग ही होता है, बोला 4 दिन दुकान बंद रहेगी, कितने कस्टमर लौट जाएंगे, कस्टमर दूसरी दुकान में चला जाएगा, ये भी तो डर है ना, पड़ोस की दुकान में चला जाएगा, यस कस्टमर सर। तोड़ देगा मेरा, है कि नहीं, तो वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं काम करने के, ठीक है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तुमको पता है आजकल सरकार वीआरएस देती है, वीआरएस का मतलब जानते क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसका मतलब ये होता है कि आप सरकार की नौकरी छोड़ दो, सरकार आपको एक लमसम अमाउंट दे देगी, है ना, 20-25-30 लाख रुपए दे देगी आपका जितना बचता है, और आपको छुट्टी दे देगी, ठीक है, उसमें पेंशन वेंशन नहीं मिलता, तो लोग क्यों ले लेते हैं वीआरएस, लोग बोलते हैं यार 20 लाख रुपए सरकार से आ रहा है, 5 लाख की एक दुकान मिल रही है, उसमें 5 लाख का माल भर लेंगे, 2-3 लाख का माल भर लेंगे, पान की दुकान खोल के बैठ जाएंगे, अपने दुकान का मालिक, पान का दुकान वाला भी कम नहीं बेचता भाई, उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना, है कि नहीं, वो सबको चूना ही लगा रहा है, यस सबको चूना ही लगा रहा है सर। कि नहीं, कम नहीं समझना चाहिए उसको, आजकल तो वो क्या क्या यस बना रहा है, सर। क्या पान का दुकान में जाओ तो कैडबरी पान, फायर पान, ठंडा पान, मीठा पान, है ना, एक एक पान 50-50 रुपए का यस बेच रहा है भाई यहाँ पर कलकत्ता में, उसके बाद जाएगा तो बोलेगा सर। अरे क्या, अरे पान के ऊपर में लगाया जा रहा, डाले जा रहा, बर्फ बने पान बना रहा है कि यस गुलाब जामुन बना रहा, समझ ही नहीं आ रहा खैर जो भी है, उन लोग भी इनोवेशन कर रहे हैं नया नया, सर। और उसके संग वो चिप्स बेच लेता है साइड में, है ना, और वो जो हमारे जो बढ़िया बढ़िया आइटम मिलते हैं वहां पर, है ना, रजनीगंधा, तुलसी, है ना, पूरा चलिए ना बढ़िया से खाओ पियो ऐश कर, सिगरेट विगरेट बेच ही ले रहा, ठीक है, सबको मार रहा है, पैसा कमा रहा है, तो मोटिवेशन ही कमी इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो लोग के अंदर अब कोई डरने का बात नहीं है, बच्चे लोग जो लोग ठीक से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, पान की दुकान खोल लो, पैसा बोलो भी अच्छा कमा रहे हैं है कि नहीं, ऐसा टेंशन लेने का नहीं है, चलो
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। पहला नंबर पॉइंट पढ़ो रणवीर और देखो समझ में आ रहा है क्या। इजी टू फॉर्म, समझ में आ रहा है यस सर, क्यों इजी टू फॉर्म है। क्योंकि अकेला ओनर है तो ज्यादा डिसीजन वगैरह क्विक नहीं डिसीजन नहीं 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 होएगा नहीं 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 उसमें। इजी टू फॉर्म यह है कि सरकार इसमें बेसी माथापच्ची नहीं करती। ठीक है, आपको बेसी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप दुकान खोल लो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा सेल टैक्स का नंबर लेना पड़ेगा आपको, वो भी अगर आपका सेल अच्छा होने लगे, पहले साल तो लेने का जरूरत भी नहीं है। अगर आपका सेल थोड़ा अच्छा होने लगे तब आपको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ स्टाफ है तो आपको फिर वो वेजेस वाला जो सैलरी वाला जो है वो लेना पड़ेगा। लेकिन छोटा मोटा तो देखिएगा ऐसा बिजनेस होता है, ये पापा बेटा फैमिली वाले चला रहे हैं ना। दोपहर में कभी कभी वाइफ लोग भी बैठ जाती है आजकल तो, आजकल तो वाइफ लोग भी बैठ जाते हैं सर, है ना। तो पापा मार्केट गए, मम्मी संभाल रहे यस पीछे, सर, कोई टेंशन ही नहीं है, है कि नहीं। तो सब संभाल रहे, कोई टेंशन नहीं, इसके अंदर में यस आराम से काम हो रहा है। तो इजी टू फॉर्म। नंबर टू, प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन, मतलब सर, जल्दी डिसीजन बनता है और क्विक डिसीजन। हाँ। अब रणवीर की दुकान है, रणवीर बोला नहीं मैं तो गोल्ड फ्लेक बेचूंगा बेचूंगा। उसका भाई बोला नहीं नहीं सिगरेट नहीं बेचना चाहिए, बोला नहीं नहीं बेचूंगा मैं तो गोल्ड फ्लेक बेचूंगा, है ना। तो बेचेगा फिर, कोई रोक थोड़ा सकता उसको। अब हमको कोई जन बोलेगा सर सर, आप सिगरेट बेचना सिखा रहे हैं, है ना। कोई बोलेगा सर आप ऐसी बात कर रहे हैं सिगरेट बेचना सिखा रहे हैं। बेटा देखो मैं तो पीता नहीं तो मैं तेरी दुकान पे आऊंगा नहीं, अब तू देख ले। अगर तुम मुझसे ओपनिंग कराएगा तो मैं तो करूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी डिसीजन आप ले सकते हो, आपको जो काम करना है आप करो। ठीक है, आप बोलो नहीं नहीं यार हम लोग मोबाइल का दुकान खोलेंगे, मोबाइल का दुकान में ज्यादा सेल है, वो करेंगे वो कर लो। ठीक है, आजकल लगा लो उसके अंदर, तो आजकल मोबाइल का भी तो चल ही रहा है ना, चार्जर बेच लो और क्या नाम है एसडी कार्ड और यस ये वो, सर, मोबाइल का दुकान में भी अच्छा सेल है ना, बहुत बढ़िया है वैसे ही काम। कंपनी कंपनी वाले चार्जर नहीं दे रहे फोन के वाले डब्बे फोन के में, चार्जर नहीं दे रहे, नहीं दे रहे आजकल। वो तो खाली सैमसंग एप्पल नोकिया बंद कोई कर नहीं दे रहा ना, दिया एप्पल वाला नहीं दे रहा ना, क्या नाम है आईफोन नहीं देता है, सर, सैमसंग ने भी बंद कर दिया अब। नहीं दे रहा है। चलो नहीं बढ़िया है, तो फिर यही दे यही दुकान खोला जाए। प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन, इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, अब कंट्रोल क्या है कि पूरा कंट्रोल मालिक का ही है। ठीक है, कितना रुपया कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा, नुकसान भी उसका है तो फायदा भी उसका है। ठीक है, सारा एक्टिविटी वही करता है। ठीक है, तो बोल रहा है रिस्क भी है तो कंट्रोल भी है, और वो पूरा अच्छा कंट्रोल करता है। पापा को सब पता दुकान में क्या है क्या नहीं है, कितना माल है कितना है, कौन क्या किससे लेनी किससे देनी, तो पूरा कंट्रोल। डायरेक्ट मोटिवेशन मैंने तुमको भी समझाया ही है ना, डायरेक्ट मोटिवेशन क्यों भैया, गल्ले में पैसा आता है तो मजा तो आता है कि नहीं, माल बिकता है कस्टमर यस आता है सर, कस्टमर। मेरे मैं अभी गया, मेरे को से कहानी को याद आ रहा है, मैं गया, मेरी नानी की डेथ हो गई। ठीक है, तो नानी की डेथ हो गई तो मैं गाँव गया, तो गाँव में अब मेरे मामा का एक लड़का है वो गायब हो गया, मिल नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेरे नानी का डेथ हो गया, घर में सब वो चल रहा है, क्या नाम है, काम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, और वो घर का लड़का है, मेन लड़का है, ठीक, वो गायब है, मिल नहीं रहा वो। ठीक है, तो पूरा सब उसको गाली दे रहा कि कहाँ गया पता नहीं कहाँ चला गया, मेन टाइम। वो भाई साहब 2 घंटा के बाद आया। ठीक है, जब 2 घंटा के बाद आया तो सब उसको डांट रहा है, कहाँ चला गया था, घर में काम था, सब लोग यहाँ बैठा हुआ कहाँ चला गया, ये वो बहुत डांटा उसको। ठीक है, मामा बहुत डांटे, मामा से डरता बहुत। ठीक है, तो सही, इधर उधर हो गया था तो उदास हो गया थोड़ा सा, बड़ा है मैंने 2 बेटी है उसकी, बड़ा है लेकिन डांट गया, थोड़ा उदास हो गया। तो यस जब डांट वांट पड़ गई तो मैं साइड में ले जाकर उसको बोला कहाँ चला गया था यार, बोला मेरा एक पुराना कस्टमर आया था, मेरे को फोन करके बोला मेरे को अर्जेंट सामान चाहिए। मैं बोला बढ़िया, तो मैंने छुपके से दुकान खोली, उसको माल बेचा, सर, 8,000 रुपया कमाया। मैं बोला बहुत सही बढ़िया किया, कोई जरूरत नहीं आने का दुकान में। बात तो भाई 8,000 रुपया कमाया, क्या है क्या है, तो मोटिवेशन कभी नहीं। नानी क्या, नानी तो गई सर, गई तो गई, क्या प्रॉब्लम है। तो मोटिवेशन अगर कमी नहीं है भाई साहब, पैसा आएगा तो हम दुकान खोलेंगे। ठीक है, चलो। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि आप चाहे तो रात को 12 बजे तक भी काम करिए, सुबह 6 बजे भी दुकान खोल लीजिए, कोई रोकने वाला ही नहीं आपको, जब मर्जी आपका तब करिए। ठीक है, कभी कभी आप छुट्टी भी ले सकते हो, लेकिन लोग छुट्टी लेते नहीं क्योंकि मन में ये रहता है कस्टमर आएगा। ठीक है, तो आप, अच्छा, आप 4 आइटम बढ़ा भी सकते हो, 4 आइटम घटा भी सकते हो, आपको लग रहा है ये आइटम और ले लेते हैं, ये आइटम और जोड़ लेते हैं, ठीक है वो आप जोड़ दो, आपको लग रहा है ये आइटम नहीं डील करना छोड़ दो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है ऑपरेशन। उसके बाद बात यस आई सर, सीक्रेसी की, नाउ सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सीक्रेसी मतलब आपका बिजनेस है, सारा सीक्रेट आप ही जानते हो, और तो कोई जानता नहीं है सीक्रेट इसका, है ना, आप कितना कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, ठीक है, सब आप ही जानते हो। सर माइक म्यूट हो गया, सर माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ पता है बेटा मेरा, मैंने ही किया है म्यूट, ठीक है। तो सीक्रेसी का मतलब समझ ही गए तुम, कि सारा बिजनेस का यस सर, प्रॉफिट मेरा, नुकसान मैं किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं पैसे वाला हूं कि नहीं किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं, तो सारा सीक्रेसी मेरा। नंबर 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। अब मालिक है, मालिक ही बैठता है बिजनेस में, तो जो कस्टमर आते हैं उनसे पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है उसका, है ना, सारे दोस्त बन जाते हैं, यस सर, व्यवहार बन जाता है। तो व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कस्टमर के संग आपका व्यवहार होना ही चाहिए, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है तो आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। तुम देखिएगा कितनी बार तो कस्टमर देखता है कि अरे वो दुकानदार बैठा है तभी उसकी दुकान पे आता है, अगर वो नहीं होगा तो कस्टमर चला जाएगा। माने इतना रिलेशन होता है कस्टमर के संग में कि दुकानदार दुकान में बैठा रहता है, अगर लगे सपोज को तुम्हारे पापा बैठे हैं दुकान पे और पापा का रिलेशन है सबसे, तो अगर तुम बैठे होगे ना तो कस्टमर मतलब पापा नहीं है, बोला नहीं चलो बाद में आऊंगा, है ना। माने इतना ज्यादा रिलेशन हो जाता है कि जो मेन आदमी है उसी से लोग सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर्स। कभी कभी तो कस्टमर इतना विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं आप बता दीजिए, जो आपको लगे बढ़िया वो दे दीजिए, है ना, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगता है, आपका कांटेक्ट है कस्टमर से, आप कस्टमर को फोन करके बुला लोगे, रस्ते में बुला लोगे, तो आपका एक रिलेशन बन जाता है कस्टमर से, जो कि खाली सोल प्रोप्राइटरशिप में ही पॉसिबल, ठीक है। लोन की यस सर। फैसिलिटी, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे सर कुछ नहीं, वही पढ़ा रहा हूँ। हो। लोन की फैसिलिटी, ठीक है, एक सेकंड फिर से होल्ड करो। ओके, लोन की फैसिलिटी, जनरली लोग को डायरेक्टली कैश में लोन नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे क्रेडिटर लोग उनको माल देके चले जाते हैं ना, अरे भैया रखिए ना बेचिए ना भैया, है ना, 21 दिन बाद पेमेंट करिएगा, 15 दिन बाद पेमेंट करिएगा, तो ऐसे उन लोग को बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है। तो उनको तुम देखिएगा, एक बार आपकी दुकान होनी चाहिए, माल तो भर जाएगा, अगर आपका दुकान सही है और आपका सेल अच्छा है तो हर आदमी आके आपको माल देगा, है ना। तो क्रेडिटर्स उन लोग को बहुत आराम से लोन देते हैं। दूसरा, क्रेडिटर को यह भी मालूम है भागेगा, भागेगा तो उसके घर पहुंच जाएंगे, घर से सामान सामान बेच के पैसा ले लेंगे, तो लोन आपको मिल जाता है, लोन माने कैश नहीं मिलता आपको, लेकिन आपको सामान मिल जाता है, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई झमेला नहीं है कि ट्रेड लाइसेंस लो कि ये लो कि वो लो कि है लो, है ना, टैक्सेशन का लॉ, लेबर का लॉ, ये लॉ वो लॉ, कोई लॉ नहीं है, दुकान खोलो दुकान चालू, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट भी तुम देखो, एक स्टाफ रख लिया, छोटा सा बच्चा को पकड़ लिया, ए छोटो चल आ जा, छोटू आ गया, छोटू को रख लिया, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक किसी को पकड़ लिया, 10-12 स्टाफ की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी में काम हो रहा है, कोई आपको अलग से क्या नाम है, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना आपको, कोई आपको सेल्समैन नहीं रखना है, कोई आपको नया आदमी नहीं चाहिए, खुद ही बाप बेटा पूरा फैमिली बिजनेस, ठीक है, मम्मी पापा बेटा सब मिलकर चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फ्रीडम भी है आपको, ठीक है, फ्रीडम मतलब आप जो लाइन चाहे उस लाइन में धंधा करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कॉस्मेटिक बेच लो, जो जो आपको समझ में आ जाए, टॉयज समझ लो, टॉयज का बेचना, टॉयज समझ लो, कॉस्मेटिक समझ लो, खाने का समझ लो, जो समझ में करो, कोई टेंशन नहीं। टैक्स का भी रिलीफ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी लोगों को टैक्स का रिलीफ देता है, कि गवर्नमेंट का वाले छोटा मोटा, देखो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है ना, गवर्नमेंट को देनी है नौकरियां, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सरकार से लोग क्या मांगते हैं, नौकरी दो हम, ठीक है, पर सरकार नौकरी लाएगी कहां से, है ना, नौकरी तो तभी देगी जो कि कंपनी खुलेगी, कंपनी में नौकरी लगेगी, वरना नौकरी लाएगी कहां से, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है सब तो खुल गई, अब नई कंपनी आएगी कहां से, तो जब नई कंपनी आएगी नहीं तो हम नौकरी देंगे कहां से, तो इतने और बच्चे रो डेली पढ़ रहे हैं, हर साल कितने लाखों बच्चे इंडिया में ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उन सबको नौकरी देनी, कहां से लाएगी सरकार नौकरी, तो सरकार तो खुद ही चाहती है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप चालू करो, हर गली में दुकान खोल लो, अरे एक एक लड़का अपनी एक एक दुकान खोलेगा, एक दुकान में दो जन तो इंप्लॉयमेंट हो जाएगा, बड़ा भाई छोटा भाई पापा बेटा दो जन की नौकरी हो गई, और अच्छा कमा रहे हो भाई, ऐसा बात नहीं कि नहीं कमाते, अच्छा कमाते हैं, माने माने जितना आपको सैलरी मिलेगा उससे बढ़िया कमाते हो, और अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट है, बात करने का वो है, थोड़ा सा मेहनत करने का जज्बा है, तो भैया बहुत अच्छा बिजनेस है, तो चल गया तो मस्त है एकदम से, कोई टेंशन ही नहीं। तो सरकार भी चाहती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बने, तो इसके लिए सरकार जो है वो बहुत सारा टैक्स का रिलीफ भी देती है, ठीक है। अच्छा, अगर दुकान जितनी पुरानी होती जाएगी उतना दुकान का गुडविल बनता जाएगा, है ना, तुम्हारे पापा की दुकान है, तुम बैठ गए,
ठीक है, तो लगा रहे इनके तो पापा भी यही काम करते थे, इनकी पापा की दुकान है, 50 साल पुरानी दुकान है, और दुकान ने कभी गलिया घटिया माल नहीं दिया, अच्छा माल दिया, माल का रेपुटेशन है, इज्जत है दुकान की, है ना, तो वहां पे माल भी मिलता है, कर्जा भी मिलता है, सामान भी मिलता है, और बेचते भी अच्छे से, तो गुडविल बनती है उसकी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने तुमको बोला इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नौकरी कहाँ से आएगी, तो सरकार बोलता है खोलो भाई आराम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, है ना, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं क्या नाम है चाय की दुकान खोलो, तो सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, आजकल सब लोग लिख दिया MBA चाय वाला, देखा है ना चल रहा है खूब, है ना, हर गली गली में खुल रहा है MBA चाय वाला, MBA चाय वाला, तो मैंने तो देखा बगल में लिखा है MBA बिरयानी वाला, उसने भी खोल दिया नया सब आजकल MBA हो रहे हैं, ठीक है, एक लड़का आया मेरे गली में, क्या नाम है, वो बेच रहा था, वो क्या बोलता है ना वड़ा पाव बेच रहा है, तो नया नया दुकान खोला, मेरे जान पहचान का ये लड़का, बचपन से देख रहा हूँ मैं उसको, बोला क्या बात है छोटू वड़ा पाव बेच रहा है, बोला नहीं सर स्टार्टअप है बोला बहुत बढ़िया तो स्टार्टअप है भाई चलो अच्छा है, तो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं और अच्छा अच्छा कमाते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है, मैं तो एक इडली वाला का कैलकुलेशन कर रहा था, इडली बेचने आता है 100 200 इडली बेचने आता है, उन लोग का मैं कैलकुलेशन कर रहा था, एक दिन 6 बजे अब क्या है मेरे को पढ़ाते पढ़ाते भूख लग गई, तो मैं अपने स्टूडेंट को बोला जाके देख इडली वाला आया क्या, तो बोला नहीं सर अभी नहीं आया, 6 बजे आया नहीं, ठीक है, फिर मैं क्लास में बिजी हो गया, मैं भूल गया, मैं पढ़ाने लगा, तो 9 बज गई, 3 घंटा कहाँ चले गए मालूम ही नहीं पड़ा, तो 9 बजे मुझे फिर भूख लगी, तो मैं बोला देखो इडली वाला आया कि नहीं, बोला हाँ सर आया है, बोला जा इडली लेकर आ उससे, तो मेरे पास बोलता सर इडली खत्म हो गया, मैं बोला 6 बजे था नहीं 9 बजे इडली खत्म हो गया, क्या टर्नओवर है भाई, अब तुम खुद ही कैलकुलेशन करो कितनी इडली बचा होगा वो 3 घंटे में, कम से कम 200 पीस तो लाया होगा घर से, 200 300 पीस तो लाया ही होगा, मान लो 200 पीस, मान लो 200 पीस लेकर आया, अगर जेन्युइनली बिक गई, एक इडली का दाम बेच रहा है करीब 8 रुपए की, ठीक है, कितना का सेल हो गया 1600 रुपए, उसके संग वो डोसा गरम गरम भी बेचता है, ठीक है, चलो मान लो 3000 का डोसा भी बेच दिया, 5000 का सेल किया 3 घंटा में, 100% मार्जिन है भाई, 2500 रुपया 3 घंटे में कमा रहा है अगला, अब कैलकुलेशन कर लो महीना कितना हो गया, 75,000 रुपये महीना 3 घंटा बैठ के काम कर रहा है भाई, इतना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमा रहा सही है, कोई स्टाफ नहीं, अकेले ही लगा हुआ है, अकेले ही इडली दे रहा है, अकेले ही लगा, कोई स्टाफ नहीं, तुझे ठेला लेकर आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है उसके, बताइए, वो गवर्नमेंट का लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा हो गया, वहीं पे लाइट आ गई, है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है उसके पास में, कोई टैक्स नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, आ रहा है 6 बजे, जा रहा है 9 बजे, और आराम से महीना का 75,000 रुपये का, जमीन तो यही खरीद रहा है गाँव में है कि नहीं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़िया चीज है आज के डेट में, अगर आप मेहनत से काम करो तो, ठीक है, चलो इंटीमेट रिलेशन विद एम्प्लॉयज, अगर आपने कोई एम्प्लॉय रख लिया, कोई एक दो स्टाफ रह भी गया, और अगर स्टाफ से आपका अच्छा रिलेशन हो गया, तो कभी कभी स्टाफ स्टाफ भी प्री घर जैसा ही हो जाता है, घर जैसा मेंबर वो भी हो जाता है, स्टाफ भी पुराने स्टाफ, जैसे कल हम लोग स्टाफ की बात कर रहे थे, है ना, उनको समोसे खिलाओ मुड़ी मत खिलाओ, तो वो रहेगा आपके पास में, है कि नहीं, तो अच्छा रिलेशन बन जाएगा, और सोशल यूटिलिटी का मतलब हो गया, अगर आप दुकानें खोलते हो तो समाज को भी फायदा होता है, सोसाइटी को भी फायदा होता है ना, मान लो आपके दुकान में एक ब्रेड की दुकान खोलेगी तो आपको भी फायदा ना, ब्रेड लेने दूर नहीं जाना पड़ेगा, नीचे से ले लिया, अपनी जरूरत की सामान, बहुत सारी जरूरत का सामान है, टूथपेस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, रेजर का ब्लेड हुआ, शैम्पू हुआ, सोप हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, सब नीचे मिल जा रही है, तो ये एक तरह से तो फायदा ही हो रहा है ना, वरना आपको दूर जाना पड़ता उसके लिए, तो यूटिलिटी भी है इसके अंदर में, और बंद करना भी अच्छा है, अगर मान लो आपको दुकान नहीं चलानी तो 1 2 महीना के अंदर सब सामान बेच दो और डिसॉल्व भी हो जाएगा, तो सब फायदा ही फायदा है इसके अंदर, ठीक है, डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो घर भी बिक जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली नुकसान किनका होता है, उन्हीं का होता है जो मेहनत करना नहीं चाहता, है ना, जो मेहनत करना चाहेंगे उनका नुकसान जनरली नहीं होता है, या फिर आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, ऐसी दुकान खोल ली जो आपको लगा चलेगी पर नहीं चली, ठीक है, तो ये एक तो खतरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, अदरवाइज इतना कोई खतरा नहीं है, ठीक है, अब ये लोग बना बना के बता रहे हैं नुकसान का, नंबर दूसरा बोल रहा है लिमिटेड मैनेजर लेबिलिटी, बोल रहा है आप पढ़े लिखे नहीं हो तो MBA तो नहीं हो तो आपको दुकान को बढ़ाना नहीं आता, अरे दुकान बढ़ाना ही आता तो हम थोड़ी छोटी दुकान करते, है कि नहीं, हम तो छोटा ही खेल रहे हैं, तो हमको मैनेजर की जरूरत ही क्या है, हमको इतना एबिलिटी की जरूरत ही है, मेरी दुकान 10 लाख की है, टर्नओवर मेरे को 10 लाख का दे रही है, और क्या चाहिए, 100% टर्नओवर मार्जिन है, हमको क्यों करना है MBA वाला काम, लेकिन बोल रहा है आपकी मैनेजरियल एबिलिटी कम है, ठीक है चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता, कैपिटल भी आपके पास कम है, अरे भैया कम कैपिटल है इसीलिए तो सोल प्रोपराइटरशिप कर रहे हैं, नहीं तो हम भी खोल लेते कोई कंपनी, ठीक है,
तो लेकिन कैपिटल कम एक तो प्रॉब्लम है, हाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी का, ठीक है। जनरली क्या होता है, सोल प्रोपराइटर एक आदमी बनाता है, जब तक वो रहता है तब तक दुकान चलती है, जब वो खत्म दुकान खत्म, ये एक तो प्रॉब्लम कंटिन्यूटी का सोल प्रोपराइटर के संग है, ठीक है। अच्छा, सीक्रेसी कॉजेस सस्पिशन। अब इस ये पता नहीं क्यों बता रहा है, बोल रहा है कभी कभी जब आप अपना प्रॉफिट नहीं बताते हो या छुप के काम करते हो, ये फालतू का पॉइंट है, माने खुद ही बना रहा है लो पॉइंट, तो ये पॉइंट है नहीं, तो खुद ही बना रहा है कोई को ना कोई डिसएडवांटेज। बोल रहा है अगर आप बेसी अपने बारे में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, पैसा अच्छा होता है पर दिखाते नहीं है ना, वो ही गंदा सा पजामा पहन के बैठे रहेंगे, है ना। एक तो हम लोग के बड़ा बाजार यहाँ पर है, वहां पर एक कचौड़ी वाले अंकल है, ठीक है, माने वो यूट्यूब में भी आए हुए हैं, यूट्यूब में लोग आते हैं, माने बड़ा बाजार बहुत फेमस कचौड़ी वाले हैं वो, ठीक है, माने अच्छा खासा सेल होता है उनका कचौड़ी सब्जी, माने लोग आते हैं फटाफट फटाफट, 100 रुपए का बिल तो वैसे बनाते हैं 2 मिनट में, बोला हाँ बेटा, अरे कैसा है बेटा, बात करने का स्टाइल भी, बोले जितना उनका रसगुल्ला मीठा नहीं होता उनकी आवाज मीठी है, ठीक है, तुम वहां पे खड़ा हो जाएगा तेरे को खिला ही देंगे, अगर तेरा पेट भी भरा हुआ ना तब भी 2 कचौड़ी तेरे को खिला ही देंगे, जबरदस्ती खिला देंगे, माने इतना अच्छा सेल्समैन है। तो उनकी दुकान में भीड़, सामान भी अच्छा बेचते हैं तो दुकान में भीड़ भी रहती है, स्वाद भी है, लेकिन बैठते कैसे मालूम है, एक गंदा सा पजामा पहने रहते हैं, माने एक पजामा है वो गंदा हो गया, अब सबको सब्जी वब्जी दे रहे हैं, पजामा में गिर ही जाता है तो वो गंदा हो गया रखा, और एक गंजी पहनते हैं जिसमें पेट का, पेट की तरफ से फटा हुआ गंजी है, समझे, फटा हुआ गंजी पहन के बैठते हैं, ये उनका स्टाइल है, फटी हुई बनियान और पजामा गंदा, ठीक है, और वो धका धक लगे हुए सुबह से लेकर शाम तक, खड़े होने की जगह नहीं उनकी दुकान में, ठीक है, डेली का सेल कुछ नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ सेल नहीं होगा उनका, तो मान के चलो 50,000 से तो ऊपर सेल ही है, माने मैं तो बहुत कम बता रहा हूँ, 50,000 से ऊपर सेल है डेली का, और एकदम फटा हुआ वो पहनते हैं, ठीक है, और जब दुकान बढ़ाते हैं दुकान बंद करते हैं उसके बाद अपनी मर्सिडीज में जाते हैं मर्सिडीज है उनके पास, बिलीव करेगा उनके पास मर्सिडीज है, इतना पैसा है उनके पास, तो किराया दुकान में बैठते वैसे ही पजामा और गंजी पहन के, तो कोई आदमी उनको देखेगा ना गरीब आदमी है, ठीक है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, लेकिन जाते हैं मर्सिडीज में, उनके पास मर्सिडीज है, उनकी व्हाइट रंग की मर्सिडीज है, मर्सिडीज में जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी कोई लोग है तो गरीब आदमी है, तो कोई लोग उनको मान नहीं देते, कुछ उनको जज करते कि तो गरीब आदमी बेसी पैसा नहीं लगाएंगे, तो कभी कभी आपकी सीक्रेसी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन ये फालतू पॉइंट, ठीक है। हेस्टी डिसीजन, ये एक तो प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी अगर आप किसी से मशवरा नहीं करते, किसी से राय नहीं लेते, किसी से 2 बार क्वेश्चन नहीं करते, किसी से पूछते नहीं हो और आप कहीं पैसा लगा देते हो तो वो गलती हो जाती है, ठीक है। सोल प्रोपराइटर के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, कभी उनको ऐसा किसी सेल्समैन ने उनको बोला, कह रहे बाबू ये माल बेचिए बहुत बढ़िया माल है, इसमें इतना रुपया कमा सकते हैं, ये वो समझा दिया उनको अच्छे से, इनको भी लगा कि हाँ यार ये कर देना चाहिए, और उन्होंने उस पे सामान पे पैसा लगा दिया, माल रख लिया, वो आइटम हो गया फ्लॉप, वो नहीं चला, ठीक है। तो ऐसे आपके नुकसान हो जाते हैं कभी कभी, है ना, आप कोई गलत माल खरीद लेते हो, गलत माल परचेज कर लेते हो, या कभी गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, कुछ नया चीज ऐड कर दिया, आपको लगा चलेगा नहीं चला, तब आपके बिजनेस में फर्क पड़ सकता है। तो सोल प्रोपराइटर का नुकसान ये भी है, क्योंकि आप किसी से मशवरा नहीं करते तो कभी कभी वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर यस लार्ज स्केल बिजनेस, बड़ा बिजनेस आप इसमें कर नहीं सकते, छोटा ही बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस इसका होगा नहीं, क्योंकि जो प्रोपराइटर है वो मैनेज भी नहीं कर पाएगा, कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया बात को, तो बड़ा बिजनेस होगा भी नहीं यस आपका, सर, ठीक है। फिर देखो लॉस ऑन एब्सेंस में, तो बोला अगर मालिक नहीं हुआ तो नुकसान ही नुकसान, मालिक को ही बैठना पड़ेगा, मालिक ही काम कर सकता है। गुडविल भी लिमिटेड, माने आप जिस एरिया में रहते हो आप उसी एरिया के राजा हो, उस एरिया के बाहर तो कोई आपको जानता ही नहीं है, माने जो ग्रोसरी की दुकान होता है जनरली गली में होती है, तो गली के जो लोग हैं सब आपसे माल खरीदते हैं, सारा कस्टमर वहीं से आता है, एक दो फ्लाइंग कस्टमर आ गया, लेकिन दूसरी गली में दूसरा दुकानदार है तो वहां का कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी जो गुडविल है और आपकी जो कमाई है लिमिटेड है, ठीक है, यही सेकंड पॉइंट आ गया, एक्सपेंशन भी नहीं हो सकता आपका, दूसरे गली का कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, अरे चौथी गली का कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, तो एक्सपेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। वीक बार्गेनिंग पोजीशन, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, टर्नओवर कम है, पैसा कम है, तो आप क्वांटिटी का माल नहीं खरीद सकते, जब आप क्वांटिटी का माल नहीं खरीद सकते तो आपको सस्ता नहीं मिलेगा, है ना, जनरली होलसेल में परचेज करेंगे तो सस्ता मिलेगा, है ना। जैसे तुम दुकान में गए सब्जी खरीदने गए, तुम बोलोगे हमको 10 दर्जन केला चाहिए तो वो दाम कम कर देगा, अगर तुम उसको बोलेगा हमको 2 केला चाहिए तो दाम कम करेगा, नहीं करेगा,
तो इन लोग का जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ा कम है, बेसी ये लोग बार्गेन करते नहीं है, इसी के लिए इनको महंगा मिलता है सामान, ठीक है। और उधारी का भी यही है, छोटा बिजनेस है, कोई कितना ही दे देगा, बेसी देगा नहीं, ठीक है। तो क्रेडिट वर्थनेस में जो है इनका लिमिटेड ही है, ठीक है। यस सर, चलो ओके, आज यहीं तक करेंगे रणवीर, कल अपन इसका ये वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, ओके और मैं तुमको क्या बोला था, तुमको याद है ना क्या यस बोला, सर, शुरू करवा दूंगा कितनी देर में? सर, कहता हूँ आपको। असल में क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझा, मेरे को एक जगह थोड़ा सा आज प्रेशर है, नहीं तो कोई बात, मैं तो बोलता नहीं, ठीक है, ओके। तो एक आधा ओके एक सर, घंटा में करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे, ठीक है। ओके सर।